मुहर्रम का त्यौहार शांति एवं सौहार्द के साथ कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच हुआ संपन्न। कोरोना को लेकर 2 वर्षों से चल रहे प्रतिबंध के बाद इस वर्ष मुस्लिम भाइयों द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ मुहर्रम पर्व मनाया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ताजिया के साथ जुलूस निकाला गया। शहर के प्रमुख चौराहों पर मुस्लिम भाइयों के द्वारा कई करतब दिखाए गए, तो वहीं सभी ताजिया देर रात कोतवाली चौक होते हुए स्टेशन चौक, ततारपुर होते हुए शाहजंगी तालाब में विसर्जित किया गया। शाहजंगी मेला मैदान में पूरी रात हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जहाँ युवाओं ने पारंपरिक हथियारों से करतब दिखाए, वहीं बच्चे भी पीछे नहीं थे, उनका भी उल्लास देखते ही बन रहा था। प्रशासन भी काफी चुस्त और मुस्तैद थी। जहां एक तरफ SSP ने अतिरिक्त बल मंगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए थे, तो वहीं दूसरी ओर CCTV कैमरे चप्पे चप्पे पर लगी हुई थी, इससे भी निगरानी रखी जा रही थी। कई सामाजिक संस्थानों ने प्रशासनिक पदाधिकारियों को एवं संस्थानों को सम्मानित भी करने का कार्य किया है। BNP न्यूज के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। मुहर्रम को लेके हुए, और क्योंकि मुहर्रम अभी 1-2 साल बाद बन रहा है और बड़े पैमाने पर बन रहा है, काफ़ी लोग सम्मिलित दिखे जा रहे हैं पिछले 2 दिन से, तो इसको लेके देखते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को एकत्रित किया है और हर जगह जितने महत्वपूर्ण स्थान हैं, जितने महत्वपूर्ण चौक हैं, सब पे वहाँ पर उनका डेपुटेशन किया गया है। इसके अलावा बाहर से भी फोर्स को मंगाया गया है, जिसमें CRPF का रेफ पार्टी जो है वो उसका एक कंपनी आया हुआ है यहाँ पर, और उसके अलावा भी हम लोग सभी अपने जितने भी ऑफिस स्टाफ से तक भी हम जितने भी हम पदाधिकारी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमने जगह पर डेकोरेशन किया गया है। ताकि कितने बजे तक ये पहलाम का टाइम दिया गया? अभी पहलाम का टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमने जो लाइसेंस का निर्गत किया है उसके हिसाब से 12 से 1 बजे तक पहलाम करने के लिए अनुरोध है, उसमें लाइसेंस की कंडीशन के अनुरोध। लेकिन अगर लेट भी होता है तो हम इस आशंका कर रहे हैं कि तकरीबन 3-4 से 4 बज सकते हैं जो पहलाम शाहजहाँ के मैदान में होगा।